आज 3 दिन से दोस्तों हम मिर्च सुखा रहे हैं। आज बनाएंगे मिर्च का भरवा अचार बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, जैसा मतलब पुराने जमाने में बनता था ना कि सालों साल 10 साल तक भी अचार रख दीजिएगा तो खराब नहीं होगा, तो वैसा अचार आज हम बनाने का तरीका बताएंगे आप लोगों को। तो पहले मिर्च तो ले आए और नहीं मिर्च जहाँ सजाए थे ना, तो कहे भाई आधा किलो हरी मिर्च दे दो यार, इसका अचार बनाते हैं हम। कहा था भैया यही 3-4 पीस का दे जाओ हमें, चलो और निकलेगा तो बता देना। तो यहाँ पे देखिए मिर्च हम सुखाए थे, 3-4 दिन से सूख रहा है, आप लोग देखिए ये पहले, तो ये सूख चुका है। और इधर हम सरसों भी धो के सुखाए हैं, और सरसों भी 2-3 दिन सुखा चुके हैं, अच्छा सा सूख चुका है। कोई सा भी आप सरसों ले सकते हैं, काला या पीला। तो मिर्च हमारा 1 kg है, तो यहाँ पे सरसों जो है वो 1.5 kg की जितना लगेगा। यहाँ पे हम खटाई भी सुखाए हैं, मिर्चा खटाई सरसों तीनों को लेके चलते हैं। मैं धो के सुखाई थी ना, तो इसमें जो खेत में सरसों बोया हुआ था ना उसमें मटर भी था, तो देख रहे हैं इक्का दुक्का मटर भी है इसमें, तो मटर के तो काम नहीं है, मटर निकाल देते हैं। और कभी भी सरसों लेना तो पुराना सरसों लें, नया फसल का सरसों ना लें। इस साल का सरसों का आप अचार बनाएंगे तो वो साल भर के बाद खाने लायक तैयार होता है, और जो पुराना सरसों जैसे पिछले साल का सरसों से बनाइएगा ना अचार, तुरंत का तुरंत अभी से बनाइए, अभी से खाना स्टार्ट कर दीजिए, तो फायदा ये है। ठीक है, तो कोई सा भी सरसों लें, लेकिन मेरा काम था आपको बताना। तो सरसों हम ले लिए हैं, सरसों का थोड़ा थोड़ा लेके इधर हम खलबट्टा लिए हैं। आपके पास अगर ये वाला वोखली नहीं है तो आप क्या करें ना कि मतलब जो मिक्सर जा रहा है आजकल, तो भाई सबके पास मिक्सर जा रहे हैं, तो उसमें आप इसको पीस डालें। आपको पाउडर बनाना है, बस सिंपल सा काम है, तो आजकल तो मिक्सर हर किसी के पास है, तो बना लें। पहले का टाइम ना जैसे वो जो लक्कड़ वाला उखल आता है जिसमें धान कूटते थे हम लोग, उसमें कूटा जाता था, लेकिन आजकल ना मतलब है तो घरों में सभी के, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता है, तो इसीलिए या तो ये इस्तेमाल हो रहा है, नहीं तो मिक्सर जार इस्तेमाल हो रहा है। पिछले बार मैं जो अचार बनाई थी 5 मिनट वाला अचार जो बनाई थी, लाल भरवा मिर्च का अचार, तो उसमें हमारे एक दोस्त कमेंट किए थे कि अनिता जी हमारे यहाँ तो लाल वाला मिर्चा मिलता ही नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि हरा वाला मिर्चा का बताइए अचार। तो मैं आज मंगाई थी लाला जी से पर मिला नहीं, सेम जैसे हमारा ये बनता है ना लाल भरवा मिर्च का अचार, हरा वाला का भी सेम बनाना है, हैं? फिर आपका ये भी सालों साल चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेम सुखाने का प्रोसेस भी और स्टोर करने का प्रोसेस, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा दोस्तों कैसे कैसे मैं बना रही हूँ। तो सारा सरसों को ना हमको कूटना है, 1.5 kg में सरसों ली हूँ, तो इसको कूट लेना है, थोड़ा समय लगेगा खलबट्टा में कूटने में, लेकिन आसानी से कूट जाता है। कूटिएगा ना तो इस तरीके से इसमें ना इक्का दुक्का रह जाता है, तो इस तरीके से छन्नी रखें, और छन्नी में इसको छान छान के इकट्ठा करें, और फिर से इसको दोबारा कूटें। तो इसको आप फिर से दोबारा कूटें, तो इसी तरीके से मैं सारा कूट लेती हूँ, और इतना पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, देख रहे हैं। तो सारा सरसों मैं कूट चुकी हूँ, लास्ट में ना थोड़ा सा बच जाता है, तो उसको आप मसाले में इस्तेमाल कर लें या दोबारा से पीस लें। ठीक है, तो सेम हमें खटाई को भी कूटना है, क्या करेंगे हम डालेंगे खलबट्टे में और कूटेंगे। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो जैसे ये तो है घर का बनाया हुआ खटाई, और ये बाजार का खटाई है, ये बाजार का खटाई है, दोनों उपलब्ध है। और नहीं तो आप क्या करें कि बाजार में ना आमचूर पाउडर मिलता है, तो आमचूर पाउडर जैसे मशीन से पीसा जाता है उसको, तो आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, वो लेके आए और फिर आप अचार बनाएं। तो हमारे पास भी ना आमचूर पाउडर तो रखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा लग रहा है मेरे को कम सूखा है, थोड़ा कम सूखा है, थोड़ा थोड़ा कूटने में दिक्कत आएगा, तो आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको कूट के देखती हूँ कि कूट रहा है कि नहीं, कोनो कोनो नहीं सूख, दोबारा सुखाए तो नहीं। जब ये जेठ बैसाख के धूप लागे ला न, बैसाख में हमारे यहाँ मिर्चा का अचार भरा जाता है। ठीक है, बैसाख में धूप तेज होता है, खटाई ना चरचरा के सूख जाता है। अभी है ये जनवरी चल रहा है ना जी,
जनवरी चल रहा है तो जनवरी में थोड़ा धूप तो नहीं होता है, कम धूप होता है, तो इसके कारण मेरे को ना इस्तेमाल करना पड़ेगा आमचूर पाउडर। और ये हम काला नमक लिए हैं तो काला नमक को भी हम कूट लेंगे। ये है आमचूर पाउडर जो बाजार से मशीन में पीसा जाता है, तो ये आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम आमचूर पाउडर लूंगी, 1 केजी मिर्च के लिए 100 ग्राम मिर्चा है, 100 ग्राम मिर्चा पीसा हुआ, 50 ग्राम हल्दी पीसा हुआ, 4 बड़ा चम्मच सौंफ और 2 चम्मच खाने वाला चम्मच से है काला जीरा, और 50 ग्राम यहाँ पे मेथी दाना है। काला नमक और व्हाइट नमक दोनों स्वाद अनुसार लिए हैं, तो दोनों मिला के ना 4-4.5 चम्मच होगा। तो आप ना मसाला तैयार करने के बाद थोड़ा सा निकाल के उसमें से टेस्ट करके फिर भरें, मतलब थोड़ा ना अचार का मसाला चटक ही होना चाहिए। तो ये काला नमक को हम क्यों डालते हैं मैं आपको बता दूं, काला नमक से ना बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है और एक अलग ही फ्लेवर आता है अचार में। तो नमक को हम कूट लेते हैं, देख रहे हैं किस तरीके से कुटा रहा है। तो ये ना काला नमक मतलब ना पहाड़ी एरिया में ही पाया जाता है हमारे ख्याल से, और ये एक तरीके का पत्थर ही है लेकिन नमकीन पत्थर है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। नमक को भी कूट लिए हैं, अब इसको भी छान लेंगे। काला नमक को भी आप छोटा छोटा टुकड़ा करके मिक्सर जार में पीस सकते हैं, बड़ा ना डालें नहीं तो ब्लेड तोड़ देगा। तो देखिए ये एक तरह से पत्थर ही है, पहाड़ी पत्थर, तो इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में हो गया है, देख रहे हैं। ये रहा हमारा व्हाइट नमक और ये रहा हमारा काला नमक, दोनों को हम एक ही जगह रखते हैं। इधर हम चूल्हे पे ना एक तवा रखे हैं जो कि गर्म हो चुका है, तवे पे हम 50 ग्राम जो मेथी लिए थे इसको रोस्ट करना है हमको, मतलब हल्का हल्का भून लेंगे ना तो सोंधापन आता है अचार, और जब अचार आप खोलिएगा ना कहीं भी खोलिए अचार पता लग जाता है अगल बगल पड़ोसियों को भी कि अचार खुल चुका है। पानी में सूखा तवे हमरे तो ये जो मेथी है ना इसको भी, और ये जो सौंफ हम लिए हैं 4 चम्मच इसको भी, दोनों को ना हमें हल्का हल्का धीमी आंच पे ना भून लेना है। ये दोनों का काम है खुशबू और फ्लेवर। जला 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 रे जला, मैं कोशिश कर रही थी जल जाए, कूट रही थी तब से लेकिन जल नहीं रहा था, अब जाके जला। धीमी आंच पे ही आपको इस तरीके से थोड़ा सा चलाते रहना है, और ये ना इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी और इसका जो खुशबू है ना आपको पूरा किचन में खुशबू आने लगेगा, ठीक है। तो दोनों को भून लीजिए इकट्ठा, दोनों को पीसना ही है हमें, कूटना ही है, इसीलिए इसको हम इकट्ठा ही भून लिए। तो देखिए इसमें से ना चटकने की आवाज़ आने लगा है, तो बस ये हमारा जो मेथी है और सौंफ है भून चुका है, बस इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको पीस डालेंगे बारीक। चटर पटर, ये दादा हम हूँ बुरबक के बनी कारे साफ है लेकिन हाथ जर जाई। तो दोस्तों ये घर का तेल है पेरवाया हुआ, इसको ना हम गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं, ये देख रहे हैं। तो ये ना हम 1/2 लीटर तेल रख देते हैं धीमी धीमी आंच पे गर्म होगा। अगर आपके पास फिल्टर तेल है, जैसे कि आजकल बाजारों में कच्ची घानी का तेल डब्बा में आता है, यही डब्बा में आता है, जैसे यही डब्बा में, तो वो वाला तेल है तो गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि हमारा जो सरसों तैयार होता है खेतों में उसका हम लोग पेरवाते हैं ना, तो वो मतलब गर्म करने की ज़रूरत पड़ता है। तो धीरे धीरे आँच पर गर्म होगा। तो ये जो है ना मेथी और सरसों बोल रही हूँ, तो ये जो सौंफ और मेथी है ना तो थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसको कूटूंगी तो खलबट्टे में तो ज़्यादा समय लगेगा, अभी गर्म भी है तो मैं इसको सिलबट्टे पे ना बारीक पीस लूँगी, ठीक है। इसको ठंडा करने के बाद मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। हाँ खुशबू, पीस लिए हैं अच्छा से हम, इसको इस तरीके से कपड़े की मदद से उठा लेंगे
आप इसको ठंडा करके मिक्सर जार में पीसें, आपके लिए आसानी रहेगा। ये थोड़ा सिलबट्टा पर पीसना या उखली में कूटना थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो तेल हमारा अच्छा से गर्म हो चुका है, देख रहे हैं, मतलब धुआं निकलने तक गर्म हुआ है बढ़िया से। अब इसको ना हम ठंडा करेंगे कहीं साइड में रख के। सारा मसाला तैयारी कर चुके हैं, और जो मिर्च है ना उसका डंठल देखिए किस तरीके से हम लोगों को काटना है। इस तरीके से काट काट के और इसको रखना है। तो इस तरीके से डंठल को हम काट रहे हैं, डंठल के ना थोड़ा सा ऊपरी भाग से काट रहे हैं, और उसके बाद इसका जितना भी बीज है सभी को हमें इस तरीके से करके निकालना है। जितना भी अंदर का इसका बीज और पल्प है, ये जो पल्प होता है ना ये आसानी से निकल जाता है किसी चाकू के मदद से, या सूखने के बाद तो ये ऐसे भी निकल जाता है। देखिए इस तरीके से खोखला कर लें। इसी तरीके से हम सारा काट काट के पहले रख लेंगे, उसके बाद इसका जो बीज है ना वो निकालते हैं हम लोग। एक तरफ से काट के रख लेते हैं, अब फिर इसको हाथों से इस तरीके से करने में बड़ा मजा आता है। तो जितना भी मिर्च है ना सबको तैयार कर रहे हैं लाला जी, और मैं इधर मसाला आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए मसाला जो हम पीसे हैं ना, ये सरसों पाउडर है, इसको भी हम एक बर्तन में डाल लेंगे, बड़ा सा बर्तन में। 50 ग्राम हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे, 50 ग्राम या 100 ग्राम मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। आप तीखा खाते हैं तो डालें 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही, नहीं तो थोड़ा कम ही डालें। और इसमें हम 100 ग्राम आमचूर पाउडर डालेंगे, 100 ग्राम से कम आमचूर पाउडर ना डालें। आमचूर पाउडर डालने के बाद में जो हम पीस के रखे थे अपना मेथी और सौंफ सिलबट में, वो भी डाल लेंगे। साथ ही में अजवाइन भी डाल लेंगे। उसके बाद ये जो नमक था 2 चम्मच व्हाइट नमक और 2 चम्मच काला नमक, इसमें 4 चम्मच नमक भी डाल दे रहे हैं। यहीं पे हम 2 चम्मच काला जीरा या काला मंगरेल बोलिए आप, इसको भी डाल लेंगे। अब इसका जो मिर्च का डंठल निकला है ना, आप बोलेंगे इसको क्या करेंगे, तो इसको ना आप सुखा के और चिकन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको क्या करें कि इसको बिल्कुल बारीक कूट के और फिर इसी में मिक्स कर दें। नहीं तो आपके पास अगर कूटने वाले नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका पल्प निकाल लीजिए, बीज निकाल लीजिए और मिक्सर में एक राउंड घुमा दीजिए, फिर इसमें डाल लीजिए। जैसे हम सारा इसका गूदा निकाल ले रहे हैं क्योंकि इसको हमको कूट के डालना ही है। और ये जो मसाला मैं तैयार की हूँ, इस मसाले को ना मैं आपको बताऊँगी कैसे इसको 10 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं आप। इसको ना आप बना के रख दिए, हर साल आप अचार में जितना भी अचार बना रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा तो इतना मतलब कम अचार बना रहे हैं तो उसमें 2 करछी निकाले डाल दिए, आपका अचार तैयार है। तो मतलब ये जो मसाला है ना ये बहुत दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता है, 8 साल 10 साल भी चल जाएगा। और बस इसको कैसे रखा जाता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो तेल हम गर्म किए थे ना उसी में से हम 100 ग्राम तेल डाल रहे हैं इस मसाले में, ठीक है। हो चुका है, गरम नहीं है, ठीक है। बीज निकला है, पल्प निकला है, इसको हमें कूटना है, तो जल्दी से कूटते हैं क्योंकि मिर्च भरने में समय लगता है। उन्हें धूप में उन्हें डाल देता हूँ, धूप में सूख जाएगी, क्या पता जामे कोई तो जामी। जब लड़ने का मन करता है ना चम्मच से लड़ रहा तो हाथ से लड़ लेंगे। नहीं ये वाला मिर्च उतना नहीं है तीखा, लेकिन फिर भी आप लोग केयरफुली करें भाई, हमको तो पति से लड़ने का आदत पड़ गया है। ये देखिए कुछ बोलेंगे बोलेंगे, ये देखिए दोस्तों नहीं बोलेंगे, छोड़ देती हूँ। नहीं मैं ना मैं सुनी थी, दादी बताती थी कि जब चोर आते थे तो मिर्ची मतलब उखल में कूट कूट के रखा जाता था, बड़का बड़का कूड़ा में, हांडी में, ये कूड़ा जैसे ये है ना, ये बड़ा बड़ा हांड कूड़ा होता था हैं उसमें। और जब चोर आते थे और घर और में घुसने की कोशिश करते थे तो
तो लेडीजें ना अंदर से मिर्ची पाउडर मारती थी आँख पर, दे दबा दब भागते थे दूर। आप दोस्तों ये सुने हैं कि नहीं बताइएगा, क्योंकि मैं तो सुनी हूँ। अब देखिए, आपको तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाथ से मिक्स कीजिए, लेकिन आप अगर ग्लव्स पहन के मिक्स करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हाथों से ही मिक्स करती हूँ हर साल, इस तरीके से को मिला लेंगे बढ़िया से, और उसके बाद ना अच्छा से इसको मोयन जैसा करेंगे, ठीक है, ये चारों तरफ मिक्स हो जाए। इस तरीके से ना जैसे हम मोयन करते हैं ना किसी चीज़ में, इस तरीके से मोयन करेंगे इसका। हाँ, इस तरीके से आप अचार का मसाला तैयार कर लें। अब करने के बाद में दोस्तों आप इसको 3 दिन तक इस तरीके से इसी बर्तन में सुखा लें। बीच बीच में जैसे कि दिन भर में धूप लग रहा तो एक बार चम्मच से इस तरीके से चला दिए, और इस तरीके से 3 दिन सुखा के और किसी भी कांच के डब्बे में आप रख दें, और वो आपका 10 साल तक मसाला जो है चलेगा। हमारी सासूमा ना तो मतलब उसमें रख देती थी, टिफिन कारी में ना जी, हैं, लंच बॉक्स में रख देती थी, बड़ा लंच बॉक्स आता था ना स्टील का, उसमें भी, तो उसमें भी 4-5 साल चल जाता था। आप कांच में रखेंगे तो 10 साल चलेगा। और ये जो मसाला है ना काफ़ी कारीगर है, आप कोई भी अचार में डालिए उसका स्वाद बढ़ा देगा। तो बस इस तरीके से मोयन करने के बाद आपको एक बार अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट कर ले मसाले को, नमक प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि यही मेन है ना जी, अचार का मसाला ही मेन है। सीखी था चटक बनू तीत पुरान का सरसों है। हाँ, तो देख रहे हैं इस तरीके से भरभरा हो गया है। अब इसको हमें जैसे भरना है, इसको फिल करना है, तो सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मसाले को स्टोर करना है तो मसाला स्टोर करके रख दीजिए, 10 साल चलेगा आपका, और फिर कभी भी अचार बनाइए। तो कैसा लगा ये हमारा मसाला स्टोर करने का ट्रिक, ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। एक ही वीडियो में मैं 2 आपको ट्रिक शेयर की हूँ, और हम लोग खुद अभी 5-6 साल हो गए लोहिनी जी, हमने के 6 साल पुराना मिर्च का अचार हमारे घर में रखा हुआ है। आप बोलिएगा तो ला के अभी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, रुकिए बना लेने दीजिए अचार। जिंदगी में हम ऐसे ना बनाए अचरवा हो, हम ऐसे ना बनाए अचरवा हो, हम ऐसे ना बनाए अचरवा हो। दिल तेरा दीवाना है सनम, अरे जानते हैं हम। तो मैं तो दोस्तों अभी भरना स्टार्ट नहीं की हूँ, लाला जी चार भर चुके हैं। तो देखिए हम अपना जुगाड़ कर रहे थे, तो ये है लकड़ी, लकड़ी के भरोसे हम इस तरीके से भरेंगे, इसमें से दबा दबा के भरेंगे। अच्छा कुछ भी बोलिए, छोटा वाला ही मिर्च मजा आता है ना, देने में आराम रहता है किसी को भी ना, इसको तोड़ के देना, इसको तोड़ना पड़ता है। बड़ा देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन तोड़ने में दिक्कत होता है दोस्तों। तो इस तरीके से लकड़ी से ना दबा दबा के भरा जाता है कि टाइट रहे, बनने के बाद भी जब निकले तो आपको दिखे टाइट टाइट, खाने में भी अच्छा लगे। इस तरीके से दबाएं और दबा के गिफ्ट दे दें, लीजिए ये आपको देती हूँ। सपना में आईले मर सजनवा। तो यहाँ पर हम 1 लीटर फिल्टर तेल लिए हैं, ये फिल्टर तेल है, और उतना जो तेल था वो घर का तेल था, ये देख रहे हैं पूरा 1 लीटर है। हमारे इधर ऐसा आता है, सभी के सभी मिर्च को हम भर लिए हैं, दोनों जन मिल के भरे हैं, देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया लाल लाल टकाटक, देख रहे हैं। यहाँ पे हम बयाम को ना अच्छे तरीके से धो के और धूप में सुखा लिए हैं, स्टोर करने के लिए कभी भी आप बयाम को क्या करें, अच्छे तरीके से धो लें और धो के सुखाएँ। इतना मसाला बचा है तो इसको मैं स्टोर कर लूँगी। यहाँ पर रखती हूँ अपना
बयाम, ये हो गया हमारा मिर्च। यहाँ पे देखिए हमारा कढ़ाई में तेल है, थोड़ा ऊंचा हो जा रहा था बयाम, इसलिए मैं नीचे रख ली। और यहाँ पे जो हम अपना फील करके रखे हैं सारा मिर्च, तो क्या करेंगे इस तरीके से ना मिर्च को हम डालेंगे तेल में, तेल में डाल देंगे। डीप कर करके इस तरीके से, और इसी बयाम में हम डालते जाएंगे, और उसके बाद बयाम में डालेंगे, तेल में डीप कर करके डालते जाना है। खेत में आलू रे आलू, ससुर मेरा चालू है दैया दैया, ससुर मेरा चालू। इसमें मैं कोई प्रेजर्वेटिव जो भी होता है, जैसे कि होता है ना स्टोर करने वाला, क्या बोलते हैं उसको जी, प्रेजर्वेटिव का मतलब ये होता है ना कि अचार को लंबा दिन तक रखने के लिए दुकानदार करते हैं। हाँ, तो हम वो सब नहीं डालते हैं, हम लोग गांव में वो सब नहीं डालते हैं, हैं ये हम लोग प्राकृतिक रूप से बनाते हैं। वही हमको इंग्लिश नहीं बोलने आता था, हैं नहीं आता है कोई बात नहीं, दोस्त हमारे बोलते हैं यानी तो आपको जो भी आता है वही बोलिए। ये ग्रीन वाला मिर्च जो दोस्त हमारे बोले थे कि हमारे तरफ लाल मिर्च नहीं मिलता है, ग्रीन वाला मिर्च को भी ऐसी आपको बना के स्टोर करना है। हम ऐसे डीप कर लेते हैं, फिर आपको फटाफट हम दिखाते हैं कि कैसे इसको हमें लॉन्ग टाइम तक 10 साल के लिए स्टोर करना है। अब हम सारे अचार को तो डाल चुके हैं, इतना ही तेल में सारा डिप हो गया है। देखें इसी का अचार है, तो कम से कम 1 लीटर तो आपको तेल ऊपर से डालना पड़ेगा, और 0.5 लीटर हम इसको डीप करके डाले हैं और मसाले में डाले हैं। तो इसको इस तरीके से पूरा डीप कर लीजिए, तेल से नहला दीजिए, डरिएगा मत, इसको बड़ा मज़ा आएगा नहाने में तेल से। होली खेल लीजिए इसके साथ, अभी होली तो आ ही गया है, तो बस इसको होली खेल लीजिए मिर्च के साथ। और फिर इसको ना आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों अब ये रंगों से भरपूर लाल मिर्च नहा चुकी है तेल से, और आप पूछेगा चमेली भाई तू कहाँ से आई, तो ये मिर्च जो लाल मिर्च है ये कहाँ से आई है आप लोगों को बताना है, ठीक है? हमको तो नहीं पता, लेकिन इस तरीके से डालने के बाद इसको हिला दीजिए कि ये पूरा अंदर तक तेल पी ले, और तेल पीने के बाद ना आपको उसको कपड़ा से बांध के कैसे सुखाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, जो भी अचार आप स्टोर कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, तो उसमें ना आपको तेल ना ऊपर तक डालना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मिर्च में मैं तेल जो डाली हूँ बिल्कुल ऊपर तक तैर रहा तेल, देख रहे हैं, हैं तो इतना तेल से भी ये जो मिर्च अभी थोड़ा ये गलेगा तो नीचे बैठ जाएगा, तेल सारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो जितना मिर्च है उतना आपको तेल डालना है, जितना आम का डाल रहे हैं अचार तो आम जितना है उतना तेल डालना है, ध्यान रखिएगा, तो आपका जो अचार है सालों साल चलेगा, ख़राब नहीं होगा। हैं तेल डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो 150-150 रुपये किलो तेल है शायद ना जी, 170 रुपया, तो 170 रुपये और लगाएं आप। और ये जो अचार है ना ये तो आपको मार्केट में तो ऐसा टेस्ट मिल ही नहीं सकता है कभी भी, और इसका जो टेस्ट है ना एकदम अमेजिंग टेस्ट है, और ये अपने देख रेख में आप बना रहे हैं तो ये जो अचार है ना बहुत ही हेल्दी है, तो आप कभी भी गेस्ट आने पर दे सकते हैं उनको, या कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं 4 पराठे या 2 अचार निकाल के, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। तो अब इसको लॉन्ग टाइम चलाने का टिप्स है, तो लॉन्ग टाइम के लिए क्या करें, एक कॉटन का मार्बल वाला कपड़ा लें, मार्बल वाला कपड़ा लेके इसको इस तरीके से बांध लें, और बांधने के बाद इसको मतलब इस तरीके से इसलिए बांधना है कि इसमें सनलाइट जाए प्रॉपर, और इसको 8 से 10 दिन तक सुखाएं, ऐसे जगह पर रखें जहाँ पे बच्चे वगैरह ना आए, नहीं तो एक ही दिन में काम कर देंगे, ठीक है? और जहाँ कुकुर बिलार ना आए, हमारे यहाँ तो कुकुर बिलार भी है, इसको बांध लें धागे से या किसी भी रस्सी से, और बांधने के बाद इसको सुखाएं। तो इस तरीके से सुखाना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा 6 साल पुराना अचार है मिर्च का वो कैसा दिख रहा है। तो इसी बयाम में अचार था आम का, तो आम को हम खाली करके इसको धो के रख दिए हैं, और ये जो अचार है हमारे पास देखिए कितना सारा मिर्च का अचार है, इसमें कोई तेल तैर नहीं रहा है, फिर भी ये जो अचार है बढ़िया है, क्योंकि इसका तेल जो है सूख गया है, पक गया है अपने अंदर,
तो ये देखिए अचार, ये देख रहे हैं, ये जो अचार है मिर्च का, आपको कैसा दिख रहा है? ये 6 साल पुराना अचार है और अभी आप खाइएगा ना, इतना मज़ा आएगा आपको, खा के पूछिए मत। लेकिन इसमें भी थोड़ा हम इस साल तेल डाल के फिर इसको और लंबा टाइम चला सकते हैं, 4 साल और चलेगा। तो जब भी आपको जैसे लॉन्ग टाइम चलाना है तो थोड़ा तेल डाल दीजिए अचार में, कि वो थोड़ा मतलब अपने आप में मॉइस्चर में रहे। तो बस इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, जब 6 साल चल गया तो 2-3 साल 4 साल चल जाएगा और भी, लेकिन इसमें तेल डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। इसको मैं रख देती हूँ, ये तो खाने के लिए हम लोग किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं। जैसे कि कोई भी आप अचार स्टोर कर रहे हैं तो उसमें से रोज़ का रोज़ निकालिए मत, खाने के लिए उसमें से नहीं निकालिए। खाने के लिए आप एक छोटा डब्बा में अलग से किचन में रख दीजिए, और जो स्टोर अचार है उसको मतलब जल्दी जल्दी नहीं छूना चाहिए मतलब, लेकिन उसको ना साल में 2-3 बार चेक कीजिए कि ख़राब तो नहीं हो रहा। अगर ख़राब होने के चांसेस है तो उसको धूप में सुखाइए, लेकिन बरसात के दिनों में अचार को काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है। बरसात के दिनों में आपको जब भी धूप हो बढ़िया, तो 1-2 घंटा के लिए अचार को थोड़ा धूप दिखा दें। हैं, मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब बातें, क्योंकि देखिए हमारा जब घर बन रहा था पिछले साल, तो मैं अचार बनाई थी और उसको ना घर में, नया घर बना, नया घर बनने के बाद में मैं घर ही में किचन में छोड़ दी, नया वाला किचन में, और मैं ध्यान नहीं दी, थोड़ा कामों में फंस गई या इधर उधर चली गई। आप लोग तो देखे ही, कोलकाता गई, बॉम्बे गई, कहाँ कहाँ गई। तो उस बीच में हमारा जो एक अचार था आम का, वो थोड़ा बेचारा हमारा साथ छोड़ गया। बहुत दुख है उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाई थी। तो कोई भी मेहनत किया जाता है तो इंसान सोचता है कि सफल रहे। तो बस आपको ना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और आपका जो अचार है लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ये सारा एक्सपीरियंस खुद का है, इसलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों। तो आपको कैसा लगा हमारा मिर्च का अचार, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं इसको सुखा लूँगी और आप लोगों तक भिजवा दूँगी। कब चाहिए आपको अचार, ये आपके लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस रेसिपी को घर पर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारे तरीके से। और जब तक के लिए एंजॉय करें मिर्च का अचार। बाय बाय दोस्तों।